तो हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त प्रतीक कौशिक और आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे चैनल क्रिएटिव माइंड्स पे। तो आज का क्या टॉपिक है, आपने थंबनेल पे देख लिया होगा। तो आज का टॉपिक है गाइस, पेपर पे एक टेक्स्ट लगाना, ठीक है? और कैसे लगाना है आपके स्क्रीन के सामने में आपको देख ही रहा होगा, ठीक है? अगर आप बिजनर है फोटोशॉप पे, ठीक है, आपने अभी भी चलाना शुरू किया है तो भी आपके लिए चुटकियों का काम बन जाएगा। लेकिन बात सिर्फ इतना है कि आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। तो ठीक है, सबसे पहले मैं आ रहा हूँ टाइप टूल पे और यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है गाइस? और यहाँ पे आप कोई सा भी टेक्स्ट लिख सकते हो, ठीक है, वो आपके ऊपर है। तो मैं यहाँ पे सिंपली इस टेक्स्ट पे टेक्स्ट ही लिख देता हूँ, ओके, ठीक है? मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है? इसका साइज को कंट्रोल डी करके मैनेज करते थोड़ा बड़ा कर लूंगा मैं इसको। बहुत इजी है गाइस, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं हम। ओके, इतना हो जाने के बाद, ठीक है, इंटर कर दीजिएगा। ओके, इसका जो कलर है इसको सबसे पहले बदलते हैं हम, ठीक है? आप कोई सा भी कलर दे सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा सा ऑरेंजिस और येलो के बीच में टोन दे, ठीक है, कुछ ऐसा। ओके हिट करेंगे। ओके गाइस, ठीक है, इतना काफी है। उसके बाद मैं इसी लेयर का करूंगा कंट्रोल जे करके डुप्लीकेट, ठीक है? यहाँ पे एक लेयर आ चुका है गाइस। और इसके बाद मैं यहाँ पे आऊंगा, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करूंगा और इसको कलर देंगे हम बैकग्राउंड कलर के साथ, ठीक है? यहाँ पे आएंगे आप देख सकते हैं और यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है, बैकग्राउंड के कलर के साथ ये मैच हो जाएगा। ओके, ठीक है गाइस। इसके बाद मैं इसको हाइड कर लेता हूँ। इस लेयर पे आएंगे, ठीक है, इस पे करेंगे हम डबल टाइप। तो इससे होगा क्या कि लेयर स्टाइल पैनल ओपन हो जाएगा और इस पे लगाएंगे हम इनर शैडो, ठीक है? आप चाहे तो वैल्यू को कम या ज़्यादा कर सकते हैं कि आपको कितना शेडो चाहिए, ठीक है, मेरे लिए इतना काफ़ी है। आप चाहे तो यहाँ से भी वैल्यू देख सकते हैं, सेम टू सेम आप रख सकते हैं, ठीक है? ओके हिट करूँगा। ओके गाइस, इतना होने के बाद यहाँ पे आएंगे, जो हाइट था इसको हम कर लेंगे अनहाइट, ठीक है? इस पे भी वही डबल क्लिक करेंगे, ठीक है, और इस पे हम लगाएंगे इस बार ड्रॉप शेडो यहाँ से, ठीक है? आप वैल्यू यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, और यहाँ से मैं ओके हिट करूँगा। ओके गाइस, इतना बहुत ज़्यादा सिंपल है, इतना तक हम आगे बढ़ चुके हैं, इसमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है इतना तक आने में, ठीक है? इसके बाद मैं इस लेयर पे करूँगा राइट क्लिक और इसको कर देंगे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ओके, और इसको कर देंगे यहाँ से रेस्टराइज लेयर। ओके, बस इतना ही करना है। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है गाइस, इसके लिए हमें यहाँ पे आएंगे मर्की टूल पर, ठीक है, इसको लेना है और माउस के बटन को आपको होल्ड करना है, ठीक है, लेफ्ट बटन को, और यहाँ से इसे ड्रैग करना है। और इसको कहाँ तक लाना है मैं आपको बताता हूँ कि ये जो टेक्स्ट है इन दोनों के बीच में रहे, मतलब इसको हमें आधा काट लेना है। इसके लिए मैं इसके दोनों के बीच में रख लेता हूँ इसको कुछ ऐसे, ठीक है गाइस? इसके बाद हमें इसको कट आउट करना है, इसके लिए हम प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट जे। हमें कंट्रोल जे नहीं करना है, कंट्रोल शिफ्ट जे करना है इस बार, ठीक है? तो आप देख सकते हो कि ये बस एक क्लियर कटआउट हमारा हुआ है। ओके, इतना बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो ठीक है, हम लास्ट स्टेप की तरफ आगे बढ़ चुके गाइस, ठीक है, इस लेयर पे रहना है। ओके, हमें करना है कंट्रोल डी, ओके, और अब हम मुझे प्रेस करे रहना है, कंट्रोल को छोड़ना नहीं है, होल्ड करते रखना है कंट्रोल बटन को गाइस, ठीक है? तो यहाँ पे जो ये वाला डिब्बा दिख रहा है, मतलब ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है, इसको हम ड्रैग करके कुछ इधर ला लेंगे, सिंपली गाइस कुछ इधर, ओके, कुछ ऐसे, ठीक है, इंटर करेंगे। और सेम गाइस हम आएंगे इस लेयर पे, ठीक है, इस वाले पे, और इसको भी करेंगे कंट्रोल डी, कंट्रोल को होल्ड करना है और इसको भी थोड़ा सा इधर ड्रैग कर देंगे कुछ ऐसे। बहुत सिंपल है गाइस, इसको करूंगा मैं इंटर। ओके, इतना हो जाने के बाद, ठीक है, हमें इस लेयर पे रहना है और कंट्रोल को प्रेस करे रहना है फिर से एक बार गाइस, ठीक है? लेकिन हम इस बार करेंगे सिर्फ ये जो लेयर दिख रहा है और ये जो डब्बा दिख रहा है यहाँ पे हम सिंपली इसे क्लिक कर देंगे। तो इससे होगा क्या, यहाँ पे इसके अराउंड एक सिलेक्शन बन चुका है गाइस, ठीक है? इसके बाद मैं आ रहा हूँ इस टूल पे, ठीक है, ग्रेडियंट टूल पे आएंगे, ठीक है, मैं यहाँ पे चूज करता हूँ एक कलर, ठीक है, यहाँ पे चूज करता हूँ ब्लैक, और यहाँ नीचे में है
व्हाइट कलर, ठीक है। ओपेसिटी रखता हूँ इसका मैं अराउंड, आपको रखना है 20 के आसपास, ठीक है। और यहाँ पे हमें प्रेस करना है इसको और इधर से ड्रैग कर लेना है, कुछ ऐसे सिंपल ही, ठीक है गाइस। हमें एकदम इधर से इधर ऐसे कुछ ड्रैग नहीं करना है, ठीक है, इससे थोड़ा खराब दिखेगा ये। हमें सिंपली यहाँ से करके इसको ऐसे ड्रैग कर देना है, ठीक है, कुछ ऐसे, ठीक है। इसको मैं कंट्रोल डी करके डिसलेक्ट करता हूँ और हमारा फाइनल रिजल्ट आपके सामने है, मैं आपको दिखा देता हूँ गाइस, कुछ ऐसे बन जाएगा, ठीक है। ये कुछ नहीं था और यहाँ ऐसा कुछ हो चुका है, आप चाहे तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हो, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ करके। यहाँ पे आएंगे और यहाँ से आप चाहे तो कोई सा भी कलर इसको दे सकते हैं, कुछ ऐसा, ठीक है। और आप चाहे तो इन सभी को कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और कंट्रोल टी करेंगे, अब चाहे तो इसको कैसा भी आप लुक दे सकते हो गाइस, ठीक है। बड़ा करना चाहे तो बड़ा कर सकते हो और छोटा करना चाहो तो इसको छोटा कर सकते हो, ठीक है गाइस। तो आज के लिए बस इतना ही, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ज्यादा पसंद आया हो तो इस वीडियो को सॉरी लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।